अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह आप अपनी टाइट कुर्ती को लूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुर्ती कुछ इस तरह से है। और इस कुर्ती के दोनों साइड लेस लगी हुई है। ये यहाँ पे 18 इंच आ रहा है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड मिला के इसका चेस्ट साइज है जो 36 इंच है, और मुझे इसको 45 इंच तक बढ़ाना है। तो टोटल मुझे इसमें 9 इंच की लूजिंग देनी है। इतनी इंच की लूजिंग मुझे देनी है जहाँ पे मैंने मार्क किया है। तो मैं पहले इस ड्रेस के अंदर वाले मार्जिन को ओपन करके देखती हूँ कि इसका मार्जिन मुझे कितना आएगा। मैंने अंदर वाले मार्जिन को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद भी इसका विड्थ बड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा ही बड़ा है। जितना मैंने मार्किंग का निशान लगाया है उतना ये नहीं आया है। तो मेरे कस्टमर ने मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक लाके दिया है इसकी लूजिंग बढ़ाने के लिए। उन्होंने मुझे इस तरह का फैब्रिक दिया है जो इस ड्रेस से मिसमैच है, तो मैंने उसी फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर दिया है साइड से ओपन करके। तो जहाँ पे मैंने मार्किंग किया था इस पीस को अटैच करने के बाद, ये उतने मार्किंग का बन चुका है जितना इस ड्रेस को मुझे बनाना था। ये देखिए मार्किंग यहाँ पे है और इस साइड भी मार्किंग है, तो ये आ गया। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 22.5 इंच है। तो राउंड पूरा मिला के ये 45 इंच आ गया है। इस लेस को मैं इस पैच के ऊपर लगा दूंगी, और जो ये पहली वाली लेस है इसको मैं हटा दूंगी। मैंने इस लेस को स्टिच कर दिया है, ये देखिए इस तरह से ऊपर से लेते हुए नीचे तक मैंने दोनों साइड इस लेस को अटैच कर दी है। इस लेस के नीचे ये पैच भी कवर हो गया है, अब पैच बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बैक साइड भी लेस को अटैच कर दी है इस तरह से। इस तरह से आप अपनी कुर्ती में लूजिंग बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।